यार कभी कभी ना भरोसा नहीं होता मेरे, तुम्हारी शादी हो रही है यार। तो सबसे पहले येलो पहनना चाहिए। अभी हम लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं जुमा के, और ये हमारे अबू शमस सर हैं, इनको देखा तो हमारे चेहरे पे नूर आ गया। बस बस बहुत शुक्रिया भाई, ब्लॉग करेंगे ठीक है। हाथ से फोन ले लिया है और ये बेवकूफ बना रहे थे सीनियर को हमारे, बंद कर रखा था इन्होंने कैमरा। नहीं भाई बंद तो कैमरा, हाँ शो खैर भाई। माशाल्लाह भाई जुमा के दिन हमारे कॉलेज में अलग ही रौनक होती है। उन्होंने सूरह कैफ पढ़ी है, इस वजह से तेरा वन प्लस का कोई वो नहीं है वो, ठीक है वो बात तो ठीक है भाई, हमने ही पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ सिद्दीकी ठीक है, आज हम देखते हैं रिपोर्ट करना चाहे ब्लॉग में। सो कॉलेज से निकलने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं भाई के घर। सो खैर आज का स्पेशल ओकेजन ये है कि आज है भाई की हल्दी, तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं यार। मतलब कॉलेज वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, तो अभी जस्ट टाइम मिला, लेट्स सी कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मज़े आने वाले भाई साहब। मतलब मुझे ना एक बार ये तो बिलीव ही नहीं होता कि भाई की शादी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, येलो येलो पहन कर आए ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। क्या बात है यार, कभी कभी ना भरोसा नहीं होता मेरे, तुम्हारी शादी हो रही है यार। हो जाएगा परसों। अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या खा रही हो खाला? अरे वाह भाई लो, थैंक यू सो मच। अच्छा और नहीं नहीं इतना काफी है। आ रहा मम्मी, उतरी बैठ के, उतरी बैठ। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम भाई। और मामी आओ, सब ठीक है? कब आई आप? कल? कल है आई है। मम्मी ने भी येलो पहन लिया भाई, सब ने येलो पहन रखा है लेकिन इस बंदे ने नहीं पहना। मामी ने भी येलो पहन रखा है, मुझे थोड़ा अलग लगना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दूल्हे को सबसे पहले येलो पहनना चाहिए। तो मम्मी के साथ पीछे खड़े हो ना, पड़ता है माल बुआ को देना पड़ता है। वही कह रहा हूं, बुआ माल देंगी, बुआ को देना पड़ता है, बुआ को देना पड़ता है। पहले बुआ देती है उसके बाद लेती है। लो 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 ये चावल लो, चावल लो। अच्छा अच्छा गिरना नहीं चाहिए, अगर एक भी दाना गिरा तो अपशगुन। बस बस भाई बस, जगह ही नहीं है तो क्या। ठीक, थैंक यू सो मच खाला। चलो कुछ और भी रखना है, सारा सामान मम्मी ने ले रखा है यहाँ पे। अच्छा ये चार लोग पकड़ के लेके चलेंगे क्या? चले 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 आप भी आओ, आप भी आओ। अरे गाना भी रो रहा है। फॉर जारा, आए हाय हाय हाय। मम्मी क्या था नेचू? मम्मी कितना यार मेरा हाथ सारा का सारा बहन को मिलता है। ओ मैं भी बहन हूँ इसकी। भैया भैया आप वीडियो बना रही हो बहुत देर से, भाभी ऐसे ही करके बैठी थी, अब इसको ऑन करो यहाँ से। अब कहाँ बन रही है? यस देखो यहाँ पे नंबर चल रहा है ना। अच्छा अरे रे रे रे, फोटो करा लो मम्मी, फोटो मम्मी। चलो पहले Thank you.
हमारी बारी कब आएगी हल्दी लगाने की? और मैंने ये चीज अपने ब्लॉग में बताई थी, मुझे सबसे बेस्ट मोमेंट जो हल्दी का लगा, इतना कुछ सब लोगों ने मेहनत करी, सब चीज थी, बट जो लास्ट मोमेंट पापा वाला था ना, वो सबसे अल्टीमेट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम पापा ने मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम चूमा है। आई थिंक आसिफ को भी नहीं चूमा होगा अभी तक, मतलब ऐसा नहीं कि मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो जाहिर नहीं करते, और आज मेरे पापा ने मुझे जाहिर कर दिया। नहीं सच में यार, ये जो चीज थी ना, मुझे सच में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगी। सो खैर ये सारी चीजें हम लोग छोड़ते हैं। एक बाप को ना अपने बेटे को, मतलब बिना रीजन के भी ना, एक बार माथे पे चूमना जरूर चाहिए। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, वो आदमी, वो शख्स इधर ही है, मेरे मामा जा। तो खैर मेरे मामा से मिल रही है, ये रहे मेरे मामा, ठीक है, हम मामा कम दोस्त यार ज्यादा है, ठीक है, तो आपको लगेगा नहीं कभी मैं मामा के साथ आऊंगा कि मेरे मामा जैसे कुछ, क्योंकि हमारे बीच की बॉन्डिंग ही कुछ ऐसी है। ये सारी तो अभी शुरुआत थी, अभी भाई हम लोग डांस वगैरह करेंगे, बहुत ज्यादा मजे आएंगे, चेंज कर लेते हो जब तक। हां कर लो, लेकिन यार ये कुर्ता ना ये रखूंगा मैं। हां इसको फ्रेम कराना भाई, इतना भी नहीं करना भाई, फिर भी यार जो हल्दी वाला होता है वो हर कोई रखता है, मेमोरी के लिए रखता है इंसान। अभी ये बताओ मेन्यू में क्या क्या है? अभी मिक्स वेज, क्या मिक्स वेज? मिक्स वेज चावल पूरी। अच्छा ठीक, बुलाओ किसी को नहीं बुलाओ, अकेले अकेले खा जाओ और यूं ही खुश हो जाओ। नहीं नहीं, खुद ही हजम कर जाओ और फिर चुपचाप हल्के हल्के हो जाओ, चुपचाप सो जाओ। माशाल्लाह, ये जो हमारी सब्जी है वो मामी ने बनाई है। सिकंदर भाई बोल रहे हैं मामी की मुस्कुराहट देखा। कातिल जहर कातिल दाएं।